जय चिनेन्द्र. सो मारवाड़ी भजन. आई यूज टू सिंग एंड एक्ट व्हेन आई वाज वेरी यंग इन फ्रंट ऑफ मारा साहेब व्हेन चौमासाज आर देयर. सो आई यूज टू सिंग एंड एक्ट ऑन दिस सॉन्ग. भाई रे साची माला फेरो, भाई रे साची माला फेरो, साचा हिवड़ा सु साचा मनड़ा सु साचा जीवड़ा सुमाला फेरो मारा भाई रे, साचा जीवड़ा सुमाला फेरो मारा भाई रे. भाई रे हाथ में माला थारे, भाई रे हाथ में माला थारे, सारी आख्या थारे निजरा रे, सारी आख्या थारे निजरा रे, थारा चितड़ेरो रत रत डोले मारा प्यारा भाई रे, थारा चितड़ेरो रत रत डोले मारा प्यारा भाई रे. दैट मीन्स यू हैव द रोजरी, द माला इन योर हैंड. इट जस्ट इट्स माला इज देयर बट योर मन, आपका मन इधर उधर भटक रहा है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. नाउ भाई रे आसन स्थिर नहीं थारो, भाई रे आसन स्थिर नहीं थारो, थे तो पल पल थे तो क्षण क्षण, थे तो झट झट आसन बदलो मारा प्यारा भाई रे, ओ थे तो झट झट आसन बदलो मारा प्यारा भाई रे. भाई रे साची माला फेरो, भाई रे साची माला फेरो, साचा हिवड़ा सु साचा मनड़ा सु और साचा जीवड़ा सु माला फेरो मारा प्यारा भाई रे. भाई रे माला में मनड़ो नहीं लागे, भाई रे माला में मन नहीं लागे, कदी माया कदी कपड़ा कदी घड़ी घड़ी घड़िया देखो मारा प्यारा भाई रे, ओ कभी घड़ी घड़ी घड़िया देखो मारा प्यारा भाई रे. भाई रे कांच में मुंडो निखरो, भाई रे कांच में मुंडो निरखो, थारी चेतना ने थारी आत्मा ने थारा ज्ञान ने क्यों नहीं निरखे मारा प्यारा भाई रे, ओ थारी चेतना ने थारी आत्मा ने थारा ज्ञान ने क्यों नहीं निरखे मारा प्यारा भाई रे. भाई रे साची माला फेरो, साचा हिवड़ा सु साचा मनड़ा सु साचा जीवड़ा सु माला फेरो मारा प्यारा भाई रे, साचा मनड़ा सु माला फेरो मारा प्यारा भाई रे. लास्ट स्टैंजा, आई एम गोइंग टू सिंग इट अगेन. देखिए अगर आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आता है. कि भाई रे कांच में मुंडो निरखो, भाई रे कांच में मुंडो निरखो, थारी चेतना ने थारी आत्मा ने और थारा ज्ञान ने क्यों नहीं निरखो मारा प्यारा भाई रे, थारा ज्ञान ने क्यों नहीं निरखो मारा प्यारा भाई रे. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गुरुदेव इज हियर. अजय भाई आप आ गए हैं जी, गुरुदेव इज हियर. आई कैन सी गुरुदेव. जी, लेट जी। मी पिन. गुरुदेव जी, अजय भाई को मथे भी मैंने बोला था कि अभी आई थिंक ही इच्छामि वंदामि साहब जी, मथे वंदामि. क्षमा शरणं वंदेऽहं जावडेकर ऋषि है. मथे वंदामि इच्छामि क्षमा शरणं वंदेऽहं जावडेकर ऋषि है. मथे वंदामि इच कार सुहराई सुख तप सरियो निरावाद सुख सदन यात्रा निर्वो ओछो जी स्वामी साता छे जी हे गुरु प्रसाद भात पानी नो लाभ देसो जी इच्छा में कमा सुमनो वंदी हूं जानी जाए निसी है.
इच्छा कारण असली सा भगवान अबू छमी अभ्यंत रायम खामे हो आमें इच्छम खामे में रायम जंकिंची आर्पत्यम परपत्यम वत्ते पाने विनय वेयावच्चे अलावे स्वलावे उचासने समासने अंतर भाषा है ओबड़ी भाषा है जंकिंची मज्ज विनय परिणाम सोहम वाव वायरो बात तुब्बे जानम अहम न जाना मितस विच्छा मेरे पर बहुत बहुत धन्यवाद इच्छा में खमास अपना वंदी हो जाने जाए निश्चय है मत्यान वंदा इच्छा कारण संदिशा भगवन वाइना संदिशा संदिशा इच्छा इच्छा में खमास अपना वंदी हो जाने जाए निश्चय है मत्यान वंदा इच्छा कारण संदिशा भगवन वाइना लेसु इच्छा इच्छा में खमास अपना वंदी हो जाने जाए निश्चय है मत्यान वंदा इश्कारी भगवान बसाई करी वाइना प्रसाद करासो जी कुतो आया हिणम पया हिणम करेमी वंदामी नमम स्वामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देयम चेयम पजवा स्वामी मथे वंदामी तिखुतो आया हिणम पया हिणम करेमी वंदामी नमम स्वामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देयम चेयम पज्वा स्वामी मथेन वंदामी तिखुतो आया हिणम पया हिणम करेमी वंदामी नमम स्वामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देयम चेयम पज्वा स्वामी मथे वंदामी सुखसाता बाबा जी नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अरिहंतानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसाधनं एषु पञ्च नमकारो सर्व पापोत्पन्नासनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम् जय जगजीवजोनि वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयं जय सुयान भवो तेथयराणं पश्चिमो जय जय गुरु लोगान जय महाप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नर राय महियं चरमतीर्थयरं विमर्शतीर्थं सर्वानिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानते मिरांधानं ज्ञानं जनशलाकयं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए हमारे सभी के श्रद्धा के प्रतीक प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री अरुण विजय जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई गेस विजय भाई यू हैव अ क्वेश्चन। पहले साहेब जी मैंने पचकांड पचकांड उगए से दम कार सिम पोर सिम साठ पोर सिम सूर्य के बुरे मोटे समझ का है उगए से जब एम भी आरं तेम भी आरं उसमें साग में तेरे में सबस तदनम आएं भी लम पच का है भी गए उस हम ले वाले हम गया था सुखित थोड़ी जिन बारे हम सबस ना देगा एक आस्तम भी आस्तम पच का है तेवी अब भी आरं सुन का हम साग रन आउट एंड उस हम गुरु बटन बारे हम सबस ना देगा नम पानस लेवल आरे चबहु लेनवा ससित तेरवा से तेरवा वो सीरे वो सीरा में दर
Should I go ahead? जी साहब जी, आपने रूणा के बंधन की बात की थी, तो रूणा का बंधन अपने ज्ञान दोष कोश में कैसे प्रस्तुत किया जाएगा जा रहा है? हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड? रूणानुबंधन यानी क्या है? रूणानुबंधन का मतलब है मोहनीय कर्म का संबंध, इन जीवों के साथ किस प्रकार का आपका पूर्व जन्म का या वर्तमान काल का कैसा मोहनीय कर्म का संबंध रहता है, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो। अब वो एक ऋणानुबंध आपके ऊपर, ऋण है उनका, उन्होंने आपके ऊपर कोई उपकार किया है किसी काल में किसी भव में कभी ना कभी, तो वो एक संबंध के रूप में आपके ऊपर बंधा हुआ है। अब आपका कर्तव्य है कि मैं उस ऋणानुबंध के संबंध को बिगाड़ू नहीं सा। अगर मान लो कोई आकर कहे कि आपके फादर के साथ हमारा ऐसा अच्छा रिलेशन इस प्रकार का था, आपके ग्रैंडफादर के समय में हमारा ऐसा, तो ऐसे जेंटलमैन एक आपकी जो है सज्जनता है कि आप उनके संबंधों को तोड़े नहीं, बिगाड़े नहीं, या राग द्वेष या क्लेश कसाय करके उनको ज्यादा खराब ना करें। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आइए पधारिए, स्वागत है आपका, आप खुशी से पधारिए। अब उन संबंधों को फिर से आप जो है निभाने की, बढ़ाने की, चलाने की, रखने की अपनी तरफ से पहल करके देखिए साहब, कोई ज्यादा तो नुकसान नहीं हो रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रकार के ऋणानुबंध किसी न किसी के साथ के है तो जोड़ के रखिए। अब मान लो कि आपके कर्म संजोग कोई आए और कर्म संजोग विपरीत हो रहे हैं, उनके साथ के संबंध बिगड़ रहे हैं, फिर भी आप बचा के रखिए, सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। ख्याल है कि नहीं, बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि राग में से जब द्वेष में बदल जाएंगे तो फिर आगे भव बढ़ जाएंगे सर, तकलीफ ये है। तो राग के अंदर एक सीमित मर्यादित समय का है, किसी ने दो चार पीढ़ी से आकर आपके संबंधों को जोड़ने की कोशिश की है, उसने मात्र से संबंध आपने रख दिया तो कोई ना नहीं। साहब जी, गुरु शिष्य का संबंध क्या रूणा का बंधन है? गुरु शिष्य का संबंध तो नहीं ऋणानुबंध का नहीं है, लेकिन फिर भी जब गुरु के प्रति शिष्य समर्पित हो जाए, उनके भाव श्रद्धा बढ़ जाए, आखिर गुरु का उपकार तो बहुत है ना, अब वो अपनी श्रद्धा बनाकर उनके भी उपकार में से उऋण नहीं होना चाहता हो तो वो भी उसी भाव में आ जाएगा। संसार के अंदर सांसारिक संबंध है और यहाँ त्याग के पश्चात के सद्भाव के संबंध है, इतना भी रह जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे कि कोई कहते हैं कि जैसे हम यहाँ आपके पास आए हैं तो हमारा ऋणा का बंधन होगा, ये अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैठा ख्याल है जी जी नहीं है, आज नया सद्भाव है, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको समाधान मिल रहा है, आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो, तब जा करके इस बात को आप बड़े पैमाने पर लीजिए। कल हम सब इसके साथ बोलेंगे, सबके साथ ऋणानुबंध है, ऐसा नहीं होता है। जी जी, थैंक यू स्मार्ट साहब जी। दिस इज रश्मि आंटी हियर, आई गेस उन्होंने टेक्स्ट किया था कल। रश्मि आंटी, यू हैव अ क्वेश्चन राइट? या या, आई विल गो, गो अहेड। सो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि श्वास और आयुष्य से संबंध है कि हम लोग हमारा रेस्पिरेटरी रेट 16-18 होता है, खाचबे का 4-5 होता है, जो सदे हुए योगी होते हैं वो लोग भी कुछ 2-5 ब्रेथ कर लेते हैं एक मिनट में, तो और यहाँ पर अगर जिम में जाओ तो वो लोग रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने का बोलते हैं, और ऐसे चलते फिरते हम ये भी सुनते हैं कि जितनी श्वास लिखी होगी उतनी ही होगी आयुष्य, उतना ही होगा, तो इन सब का रिलेशनशिप क्या है? I think so, you are the newcomer person? नहीं, मैं हमेशा सुनती हूँ, बट मैं लाइव ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ हमेशा।
टुडे यू हैव, आज आपने विंडो ओपन किए इसलिए पूछ रहे हो। मैंने कहा अगर आपने हमेशा सुना है तो फिर आपने क्यों ऐसा प्रश्न किया? फिर भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था, सॉल्व हो गया था, फिर भी आपने सब आयुष्य का बंद वगैरह सब समझाया, फिर भी थोड़ा साइंस से लेके कि रेस्पिरेटरी रेट और ये सब हाउ डज इट वर्क इनटू आवर आयुष्य। अब ये जरूर आप देखिए कि जैसा आपका आयुष्य के बारे में है तो ये हमारी आत्मा के अंदर जो है जिस प्रकार से कर्म तो बंधा हुआ है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आयुष्य के अंदर आपने अपनी तरफ से जिस प्रकार का अब ये पार्टिकल्स तो किसके हैं आपको ख्याल आ गया? ये जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ आपके किसके हैं? आयुष्य कर्म के पार्टिकल्स, कार्मण वर्गणा ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा कि जिस प्रकार की ये वर्गणा है, अब धीरे 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 आप जिस तरह से इसको श्वास में उपयोग में ला रहे, अब जिस तरह से ला रहे हो तो कभी आपने थोड़ी देर के लिए प्राणायाम किया तो परसेंटेज ज्यादा निकले, अब लेकिन प्राणायाम के बाद में फिर वापस जब नॉर्मल हो गया तब क्या हो गया? अगर आप नींद में हैं तो नींद में तो कोई प्राणायाम कर ही नहीं सकते हैं, नींद में आपसे नियर अबाउट द 6 आवर्स 7 आवर्स वॉट एवर इट में भी, तब फिर वापिस वो नॉर्मल ही हो जाता है। मान लो कि आपने स्टेप चढ़े और स्टेप चढ़ के आए तब आपने जो है इंक्रीज किए थे आपके, लेकिन फिर आकर के बैठने के बाद 10 मिनट के अंदर फिर वापस वही लेवल आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लंबा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1 घंटे जिम में जाकर जिसने भी किया है जितने प्रमाण में किया है अब वो फिर आकर के रेस्ट करेगा तो फिर नॉर्मल होने वाले हैं। सवाल ये आयुष्य कर्म है, अब ये आपका रेगुलर बन जाता है तो इसके अंदर क्या है, कोई एज ग्रुप के साथ जो है कोई संबंध नहीं है। एज हमने कैसे गिनी है इसकी, यहां से ये 0 है, अब ये आपने बढ़ते बढ़ते 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब ये आपका 100 बरस का है, क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर? 100 दिन का भी फर्क पड़ेगा क्या? 100 बरस के इतने लंबे आयुष्य के अंदर 100 दिन का भी कोई इतना लंबा फर्क नहीं है, वो अपनी तरह से श्वासोश्वास के आधार पर जीवन जी रहा है। तो श्वासोश्वास ब्रीदिंग सिस्टम एक माध्यम है, इसमें से पार्टिकल्स बाहर निकलते जाए, अब जिस तरह से इसमें से पार्टिकल्स निकलते जाएंगे, अब इसमें से आपका इतना कम हुआ, कल आपका इतना बड़ा कम हुआ, अब ऐसे कम करते करते जिसका जितने प्रमाण में कम होता जाएगा तो ये आप धीरे धीरे रेगुलर रूटीन में कम करते जाए। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है आप ये सोचे कि भाई जितना लिखा हुआ है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कौन लिखता है, अभी किसने लिख करके आपको भेजा है, ऐसी कोई बात है क्या लिखने वाले की, वो कोई बात ही नहीं आ रही है। तो करता तो सिर्फ जो है वो अपनी तरह से चेतन आत्मा ही है, अब आत्मा ने जो जिस तरह से जैसे कर्म बांधते हैं वो है। अब ये कर्म हमारा इतना अगर सॉलिड है तो इतने सॉलिड होने के कारण इतना जल्दी छोटे छोटे एक्सीडेंट में नहीं टूटता है, हल्के छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए गए उसमें आयुष्य टूटता नहीं है। जब कोई हैवी एक्सीडेंट, कोई भारी एक्सीडेंट, जिस समय आपके हार्ट के ऊपर ही प्रेशर आ जाए और आयुष्य टूट जाए तब आयुष्य टूट सकता है, तब संभावनाएं बन जाती है। तो उस समय आप क्या कहेंगे, अभी आयुष्य आपका कहाँ टूटा है, आइदर एट द एज ऑफ 50 या 60 अब या 70, अब आपका कहाँ टूटा है, जिस समय टूटेगा पूरा कुछ भी बचने वाला नहीं है इसमें से, अभी जिस समय भी टूटेगा तो पूरा टूटेगा।
कोई एक्स्ट्रा नहीं रख। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि जब तिथि लिखी हुई थी जो दिन लिखा हुआ था तो चौथ लिखी है तो पाचम नहीं होगी, एकम लिखी है तो दूज नहीं लिखी, ये भ्रामक मान्यताएं निकाल दीजिए सर। आयुष्य के साथ में आपके अंदर कई प्रकार के डाउट जो है वो ओनली ड्यू टू द ब्लाइंड फेथ है, तो ब्लाइंड फेथ के कारण अगर उस प्रकार की समस्या है तो आप उसको निकालने की कोशिश करिए। अब यहां तो शास्त्र है ना, आगम है, सिद्धांत है, कर्म ग्रंथ है, उसमें से बेसिक सिद्धांत अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपको उसके अंदर ब्लाइंड फेथ या सुनी सुनाई बातों को इधर उधर की मानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो न तो कोई आयुष्य बढ़ने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है सर। आपने प्राणायाम कर लिया या आपने ये खा लिया या च्यवनप्राश खा लिया तो आयुष्य बढ़ने के तो चांस कोई नहीं है सर, किसी के नहीं बढ़ते, महावीर स्वामी के भी नहीं बढ़ा। अब रहा सवाल कि कोई टूटने के चांस, तो टूटने के अंदर सबसे बड़ा कारण है अगर कोई आपका एक्सीडेंट होता है या कोई अटैक आ जाए सर, तो ये अगर कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए और ये कोई आपके ऊपर अटैक आ जाए तो अगर आयुष्य टूटना है तो टूट सकता है। अब उसके अंदर कोई इतना सॉलिड पत्थर का तो है नहीं भाई साहब, बांधा तो हम नहीं है, उपार्जन तो हम नहीं किया है, तो टूटने के चांसेस भी रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। गो अहेड विजय भाई। अगर किसी को ना हो तो प्रश्न। हाँ, कोई नहीं है अभी। साहब जी, आपने उपक्रम में दो चीज बताई थी, तो ये संथारा और अनशन, ये दोनों हमारे ही उपक्रम है, बाहर से नहीं आते लेकिन हम खुद लाते हैं, तो क्यों लाते हैं फिर? उनके जो उन्होंने अपनी एक रिलीजियस माइंड बनाया है, संथारा के अंदर हम जो है अपनी तरह से समाधि भाव में रह करके आयुष्य को पूरा कर लें, तो उसमें भी आहार का ही निर्बंध है ना, या रोग के कारण है तो आयुष्य टूटना तो है ही, चाहे वो संथारा करके स्व इच्छा से तोड़ रहे हैं, ये एक्सीडेंट अटैक बाहर से आ रहे हैं और ये आपने खुद ने अपने खड़े किए हुए हैं, तो संथारा के अंदर आपके भाव हैं जरूर करिए, कोई ना नहीं है, आप खुद ही अपना आयुष्य पूरा करोगे। लेकिन भरत सर जी, इतना आयुष्य को इतना प्रेशियस माना जाता है कि आयुष्य इतने मतलब ये मनुष्य जन्म हमें इतने करके मिला है, तो हम खुद ही क्यों उसको नष्ट करें उपक्रम से, उसका क्या सदुपयोग नहीं किया जा सकता उतने भी काल तक? लेकिन जब कैंसर हो गया है और नहीं जी रहे हैं तब आप संथारा लेकर के आप सोचते हो कि कैंसर में मैं और कितना साल भर खींचते रहो, तो उनको लगता है कि थोड़े टाइम में संथारा लेकर आयुष्य पूरा कर लो, लेकिन ये धारणाएं गलत है। अब आपको देखिए, मैंने बात तो कर दी लेकिन जो है अब संप्रदाय संप्रदाय की धारणाओं में गलत अलग अलग बातें आ रही। आपने कभी नहीं सुना होगा श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय वाले कोई संथारा कभी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? परंपरा ही बंद कर दी है, परंपरा ही नहीं है। तब आचार्य श्री भी नहीं लेते, साधु साध्वी भी नहीं लेते, श्रावक श्राविकाओं को भी नहीं लेते। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि शास्त्र में जो संथारा लिखा है आगम के अंदर पैना सूत्र में, तो वहां उनको लिखा है कि क्या उनको आत्मा और देह का भेद ज्ञान है, वो आत्म ध्यान कर सकते हैं, वो देह भाव से ऊपर उठ चुके हैं। अब ये सारी बातें क्यों कि एक बार संथारा लेना तो बहुत आसान है लेकिन बाद में जब आर्थ ध्यान बढ़ जाएगा तो गति बिगड़ जाएगी। अब उनको मेडिटेशन आता है कि नहीं आता है और कौन सा मेडिटेशन आता है? आजकल जो बाजारू मेडिटेशन हो गए, वो डीप ब्रीदिंग को मेडिटेशन कह रहे हैं, वो विपश्यना को मेडिटेशन कह रहे हैं, वो प्रेक्षा को मेडिटेशन कह रहे हैं, वो श्वास के आने जाने को मेडिटेशन कह रहे हैं, वो आना पाना सत्य को मेडिटेशन मान रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई अगर दर्द हो रहा है, वेदना पीड़ा होती है तो उसको साक्षी भाव में देखते रहो, इसको मेडिटेशन कह रहे हैं।
कोई कह रहे हैं कि जस्ट टू स्टॉप द थॉट्स दैट इज मेडिटेशन, अब ये सब इसके साथ कोई संबंध नहीं रखती है, इसको मेडिटेशन कहते ही नहीं है। मेडिटेशन की सिर्फ एक ही सिंपल डेफिनेशन है कि आप देह भाव को सर्वथा भूल जाए, विस्मरण करें और आत्म भाव का सतत स्मरण बना रहे, वो मेडिटेशन कर्म की निद्रा करा सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन अब आजकल लोगों ने, क्योंकि न तो आत्मा का ज्ञान है, न आत्मा की समझ है, न आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं, और फिर लोगों से इधर उधर सुनाई बात को वो पकड़ के रखते हैं, मैं तो विपश्यना करता हूँ, मैं तो प्रेक्षा करता हूँ, मैं तो स्वास्थ्य निरीक्षण करता हूँ, मैं तो, अब इन सब के कारण जो है उनके कोई ध्यान धारा बढ़ती नहीं। फिर संसारा का डिक्लेयर होने पर जो है सामाजिक व्यवहार बढ़ जाते हैं, रोज दिन भर 50 लोग आते रहते हैं, वो अपना मेडिटेशन कब करे, वो कब करे साहब? और अगर आपको संतरा करना है तो डिक्लेयर क्यों करते हो? आप कमरा एक रूम बंद करके शांति से दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाइए। संतरा आपको आत्म ध्यान के लिए है, पब्लिक की पब्लिसिटी के लिए नहीं है भाई साहब। अब कई प्रश्न है, कई प्रकार के कारण है, और जब आपको न तो आत्म ज्ञान है, ज्ञान का तत्वों का ज्ञान है, वैसे कोई सम्यक दर्शन भी का आज दिन तक देखिए, बस एक बात है कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब नहीं जिएंगे साहब, अब ये थर्ड स्टेज का कैंसर है, ऑलरेडी इट इज स्प्रेड इन द बॉडी, नहीं नहीं अब सब दबाव डालेंगे, ले लो आप संतरा ले लो, नहीं अब आप संतरा ले लो, अरे क्या संतरा, जो वो वैसे ही कैंसर की वेदना को सहन नहीं कर पा रहा है और फिर उसमें आप उसको संतरा दे दो, तो उसका तो कल जीवन बिगड़ जाएगा ना, जन्म बिगड़ जाएगा। अब क्या है कि ऐसी बातें मैं बोलूं तो फिर आप कहोगे सांप्रदायिक बात हो जाती है, सांप्रदायिक की हो जाती है, मुझे इसमें नहीं जाना है। लेकिन ये आज के तरीके में ये सबसे बड़ी बात, जिसको संतरा लेना है बिना रोग बीमारी वाले ले, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डॉक्टर ने नहीं बोला कि आपको कैंसर है और 2-4 महीने में मर जाओगे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। आप स्वस्थ हो, स्वस्थ शरीर वाले हो, और आपने 2-5 साल मेडिटेशन किया हो, अध्यात्म ज्ञान हो, भेद ज्ञान बना हो, आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, बिल्कुल दोनों सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है, मैं सतत आत्म ध्यान में रहता हूँ, मुझे अब देह भाव की कोई चिंता नहीं है, ऐसे व्यक्ति साधक की परीक्षा करिए कि वो कैसा ध्यान करता है, फिर उसको संतरा जरूर दीजिए। लेकिन ऐसे कोई 2-4 साल भी ध्यान किया ही नहीं कभी, मात्र डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ही विल बी नो मोर यू सी एंड हैविंग द टू मच कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट, यू सी हार्ट इज एनलार्जिंग आल्सो, और हार्ट में ये प्रॉब्लम, अब आप उसको प्रेशर करो संतरा ले लो तो वो क्या करेंगे, सो कैसे, फिर वो वेदना, इधर कैंसर की पीड़ा और इधर भूख की पीड़ा, इधर शरीर की वेदना, और फिर जो है वो नहीं कर पाएंगे, तब लोग क्या कहेंगे, सोचिए आप, कौन सोचता है इसके बारे में। लेकिन चल रहा है, वो चल रहा है, अब एक समुदाय ने अपनी परंपरा चलाई है, वो चल रही है, दूसरे संप्रदाय ने बंद ही कर दिया, निषेध कर दिया है, साफ निषेध कर दिया है, बिल्कुल नहीं लेना है, कोई नहीं करेगा संतरा। अब जिस संप्रदाय के अंदर चल रहा है वो चल रहा है। साहब जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जब तक क्षमता हो उस संतरा लेने की, तब तक में ले लेना चाहिए, नहीं कि वेदनीय कर्म बढ़ गया है, आप वेदनीय वेदन बढ़ गया है जैसे कैंसर का, तो उसके हिसाब से वो लॉजिक से लेना उचित नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान भी नहीं लग सकता और अर्थ ध्यान में चले जाते हैं, ये लॉजिक हुआ ना आपका? विजय भाई को स्पेशली कहता हूँ कि विजय भाई आज से पहले मेडिटेशन शुरू करे, 2 साल मेडिटेशन करके अपने बड़े आचार्य श्री को जाकर के मेडिटेशन की परीक्षा दे दे,
और भेदक ज्ञान से बिल्कुल वो अपने आप को संसार के मोह भाव से ऊपर उठा ले। अब विजय भाई कल से संतारा शुरू कर दे तो चलेगा, लेकिन ये नहीं कि बीमारी आ गई है ले लो, ऐसा मत करना। जी जी, थैंक यू स्मार्ट साहब जी, खूब खूब उपकार। प्रवचन का समय वैसे हो गया है गुरुदेव जी, आज हम नया कर्म को शुरुआत करने वाले थे तो हम शुरुआत कर सकते। वैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप श्री की आज्ञा हो तो क्वेश्चन पहले लेके फिर निखिल भाई यू कैन गो नाउ। हाँ, थैंक यू, प्रणाम मथनंदा भाई साहब जी। साहब जी, तमारी कर्मतणी गति नारी एनी बुक में चालू करी थी, तेमा आए देवता ने नारकीनी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरपणनो ने जघन्य स्थिति ओछामां ओछी अंतर्मुहूर्तनी ओछामां ओछी छे। हवे आपणे नौकार मंत्र जारे गणीए छे तो एक नौकार मंत्र गरी नमो रिंतानंदी परममोय मंगलम 500 सागरपणनी नारकीनुं आयुष्य तूटे छे, आखो 108 नौकारवाड़ी गणीए पूरी 108 नौकार वाली गिनती है तो 54,000 सागरोपम का नारकी का आयुष्य टूटता है। तो अगर 33 सागरोपम का आयुष्य कभी बांधा है जो सातवीं नरक का है उत्कृष्ट पिछले भव में, और कभी बांधना है भोगना पड़ेगा, तो ये 54 ये नौकार वाली गिनके कर सकते। बिकॉज मैंने ये भी सुना था कि 900,000 नौकार इस भव में गिनेंगे तो नारकी और तिरेंच में जन्म लेना नहीं पड़ेगा इस भव के बाद। सही बात है, आपने आयुष्य शब्द क्यों यूज किया जोड़ा उसने? वो जो बुक में पढ़ा था ना साहब जी, देवता और नारकी का आयुष्य उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का होता है। आप वापस से बुक खोलना, वहाँ आयुष्य शब्द नहीं है, दुख का निवारण। अच्छा, हाँ 33 सागरोपम जो भी है तो देवता या नारकी का दुख टले वो वहां पर गणित दिया गया है। आयुष्य आपने बात बैठा दी, फिर से बुक देख लेना। अब मैं यहाँ पर आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, और दूसरी बात का एक करेक्शन पहले और भी कर लीजिए कि देवनारकी का आयुष्य मात्र 2 घड़ी ही मिनिमम नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मैं आपको बताऊं कि किस तरह से 14 राजलोक के अंदर कहां किसका कितना अलग अलग आयुष्य है, और ये जो जीव है संसार के अंदर सभी जीवन जीने वाले जो है देवलोक है और ये जो है नरक है। तो यहां से जैसे आप नीचे उतर जाओगे, अब ये क्या है, असंख्य द्वीप समुद्र है, अब यहां से नीचे उतरने पर पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी नरक, ऐसे जब आप जाते हो नीचे तो यहां से आयुष्य बढ़ता जाएगा। आयुष्य का प्रमाण जो है और ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब ये पहली नरक है, ये दूसरी नरक है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये अब यहाँ आप देखेंगे कि एक से नीचे उतरते गए तो कितना आयुष्य बढ़ेगा। तो यहां पर आपने ये देखा 33 सागरोपम यहां सातवीं नरक के अंदर। अब इस 33 सागरोपम ध्यान दीजिए आप, एक सागरोपम वन सागरोपम इज इक्वल टू अन्यूमरेबल इयर्स, असंख्य वर्ष है। क्या लाया? अब आपको यहाँ पर अगर कोई मनुष्य पक्षखान करता है, नवकारसी करता है और वो नवकार गिनता है तो एक नवकार से 500 सागरोपम का नरक का दुख दूर होता है। वहां दुख प्रमाण में कितना है, दुख का प्रमाण कितना है ये बताया गया है। अब दुख कितने प्रमाण में है, कितना लंबा चौड़ा दुख है, तो नरक के दुख तो आप जानते ही हो, समझे कि नहीं। तो ऐसे में अगर ये जीव नरक में जाता है तो वहां पर तो दुखी होने ही वाला है।
आपको क्या लग रहा है ये तो 33 सागरोपम है और यहाँ तो एक ही नवकार के अंदर 500 सागरोपम का प्रमाण बता रहा है। तो जरा एक बार वो भी आप जो है मैं आपको कैलकुलेशन लिखाता हूँ कि आप कैसे नवकार के हिसाब से आप करेंगे। तो ये यहाँ पर बनाया है एक पद के हिसाब से, एक अक्षर के हिसाब से अगर आप देखने जाए गणित, तो जो अक्षर के हिसाब से नवकार एक अक्षर पावम फेड़े ही सत्य सैराई, तो एक अक्षर के हिसाब से 7 सागरोपम का गणित किया है। अब नवकार में कुल अक्षर कितने हैं? 7 से गुणाकार करिए कितना आ रहा है? 476। अब आप देखिए नवकार के अंदर जो है सबसे पहली बात के नवकार में 9 पद है, फिर 8 संपदा है और 7 गुरु अक्षर है। हाँ जी, अब आप फिर से टोटल करिए। पूरा 500 ना, सॉरी 500 अब आपने ये सीधा हिसाब कर लिया, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, सबको मालूम है नवकार के 68 अक्षर है और ये पद संपदा और गुरु अक्षर है जो सिद्धानम डबल थ आया कि नहीं। हाँ। वो ये गुरु ऐसे अगर आप तो ये जॉइंट अक्षर जो है, अब इस कैलकुलेशन से अगर एक व्यक्ति एक नवकार मंत्र का स्मरण करता है तो 500 सागरोपम तक का नरक का दुख टल सकता है। अब मान लो कि आपने 108 नवकार गिने, अगर आप कह रहे हो कि 125,000 गिने, अगर आप कहते हो 900,000 गिने, तो फिर कितना हुआ साहब? अगर जैसे इकाई राठौड़ के जीवन में मृगा पुत्र की आत्मा ने जो कर्म बांधे हैं, अब वो कितनी बार नरक में जाएगा तो भी उसके कर्म पूरे नहीं होंगे। जो विपाक सूत्र आगम में महावीर स्वामी ने मृगा पुत्र के चरित्र के बारे में बताए, जैसे आप जानते हो गौशाला, अब गौशाला ने कितने कर्म बांधे, कितने एक बार में भी वो कर्म बांधे तो उसका प्रमाण इतना है कि वो बार बार जाकर के जन्म लेगा तब भी उसका हिसाब पूरा नहीं होगा। तो एक जीव कितनी बार नरक में जा सकता है? फिर नरक में से आएगा, फिर नरक में जाएगा, फिर नरक में से निकल के बाहर आएगा। अब आएगा तो कहाँ आएगा साहब? उसको आना तो यहीं पर है। अब जो भी जहां से आए तो फिर आए, फिर वापिस जाता है, फिर वापिस ये जाता है। तो ऐसे करके जो बार बार नरक में आ जाए तो अब इन सब का हिसाब आप गिन लो समझे कि तो कितना होगा। तो यहाँ पर जो हमको प्रमाण दिया है ये पहली नरक है। अब पहली नरक के अंदर यहाँ पर एक सागरोपम का आयुष्य मैक्सिमम है और 10,000 ईयर का मिनिमम। अब ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है समझे। अब यहां से दूसरी नरक में चले गए तो 3 सागरोपम का है, अब तीसरे नरक में चले गए तो 7 सागरोपम का है, चौथी नरक में आए तो 10 सागरोपम का है, पांचवी नरक में आए गए तो 17 सागरोपम का है, छठी नरक में आए तो 22 सागरोपम का है और सातवीं नरक में आए तो 33 सागरोपम का आयुष्य है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहली नरक में जो यहाँ पर है बता दिया आपको, तो यहाँ दूसरी नरक में आए तो 1 सागरोपम का मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तीसरी तंत्र के अंदर 3 सागरोपम का मिनिमम है तो 7 सागरोपम का मैक्सिमम है।
चौथी नरक के अंदर जो है सात सागरों पर मिनिमम है तो दस मैक्सिमम है, पांचवी नरक में चले जाओ तो दस सागरोपम मिनिमम है तो सत्रह सागरोपम मैक्सिमम है, छठी नरक में जाइए सत्रह सागरोपम मिनिमम है तो बाईस सागरोपम मैक्सिमम है, सत्रह में आइए तो सातवी नरक में सात था सत्तर ये बाईस सागरोपम मिनिमम है तो तैतीस सागरोपम मैक्सिमम है। अब कोई जीव बार 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 सीधा करते करते पहली बार एक नरक में गया, फिर दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी, चौथी बार, ऐसे करके आप किन्हों विपाक सूत्र में महावीर स्वामी ये चरित्र बरोबर बता रहे हैं कि कैसे जो है जीव इस तरह से, तो उसका टोटल करेंगे तो कितना सागरोपम आएगा? त्राणु। अब बेटर है कि आप 9 लाख नौकार गिनो तो हमेशा के लिए आपके नौकार ही टल जाए ना। अब जो इंसान 9 लाख नौकार गिनेगा तो वो कितना कॉन्शियसली रहेगा, कितना सावधान रहेगा, फिर तो वो कोई पाप की प्रवृत्ति कर ही नहीं पाएगा ना, तो वैसे ही नरक टल जाती है उसे। नरक में नहीं टल गया सब। अब 9 लाख नौकार गिनने वाले को कितने बरस लगेंगे, इट डिपेंड वो कितने ऊपर कितने गिनता है, रोज के कितने गिनता है, उस इट डिपेंड्स ऑन दैट। नाश हो तो पहले उसकी पाप करने की बुद्धि तो नष्ट हो जाएगी ना। ये बात है, कैसे कोई कहते हैं कि एक चोर नवकार गिने तो सक्सेस हो जाएगा, अरे एक चोर को बोलो कि वो नवकार गिने और मीनिंग सही समझ करके गिनने लगे ना तो चोरी करने की बुद्धि टल जाएगी। अब वो चोरी नहीं कर पाएगा, बुद्धि बदल गई समझेगी। ये विशेषता होती है यहाँ पर। तो ये है कि जो नवकार के अंदर वो बरोबर ध्यान पूर्वक अर्थ सहित भाव पूर्वक मेडिटेशन पूर्वक गिने तब जाकर के, क्योंकि एक एक अक्षर पर उसको ध्यान देना है, एक एक अक्षर करके 68 अक्षर, फिर जो सिद्धानंद और द इकट्ठे आए तो एक छोटा आधा अक्षर बीच में, इतना कॉन्सेंट्रेशन करेगा तो वो अपने विचार कितने शुद्ध करेगा, एक भी विचार खराब ही नहीं आएगा उसको, तो एक भी विचार उसको अशुभ आएगा ही नहीं, इतना अच्छी तरह से वो कर लेगा तो कितनी बड़ी बात हो गई। ये आपको सोचना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसने यहाँ पर किया है कि नवकार गिनते हुए जपते हुए भी आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हो, ये विशेषता जरूर है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम सात नरक में नीचे चले अब ऊपर चलिए सा, तो फर्क कितना है। यहाँ पर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ से नीचे नरक आ गए, अब यहाँ से ऊपर चलिए तो देवलोक आ गया। अब देवलोक के अंदर आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, तो यहाँ पर देवलोक के अंदर भी लास्ट में, अब ये तो सिद्ध शिला यहाँ मोक्ष है, लेकिन अब यहाँ पर जो देवता है तो यहाँ पर उनका भी 33 सागरोपम का ही आयुष्य बनता है, उत्कृष्ट कक्षा का देव का आयुष्य। अब वो गया कहाँ से है, तो मनुष्य में से गया, चला है तो मनुष्य में से जब गया है तो यहाँ उसने ऐसी कौन सी साधना की है कि जिसके बल पर उसने 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य बांधा है। भगवान नेमिनाथ ने भी उत्कृष्ट आयुष्य बांधा और वो भी 33 सागरोपम में गए, और भगवान आदिनाथ ने भी अपने 12वें जन्म में 33 सागरोपम का देव आयुष्य उत्कृष्ट लिया था। ऐसे कई हैं तो वहां जाकर वो अपनी साधना करते हैं। तो यहाँ पर अब उनको नीचे तो उतर नहीं है, तो आयुष्य बांधने वाले आपको ये देखना है कहाँ पर कौन कितने आयुष्य, ये कॉस्मोलॉजिकल स्टडी देखें तो यहाँ तो सिर्फ देवताओं को ही रहना है, यहाँ सिर्फ ढाई द्वीप के मनुष्य क्षेत्र में, ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है, तो इतने छोटे से क्षेत्र में सिर्फ मनुष्य को रहना है। हाँ, मनुष्य के साथ तिर्यक पशु पक्षी बहुत है, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर जब है
तो यहाँ सिर्फ तेरी अंश है, यहाँ सिर्फ तेरी अंश के पशु पक्षी है, अब वो मनुष्य नहीं है सा, वहां नहीं है। और नीचे उतर गए तो सिर्फ सातों नरक ही नरक, नारकी नारकी। लेकिन अब आप देखने जाए तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय, एक इंद्रिय के जीव जो है सूक्ष्म रूप से तो सर्वत्र है, लेकिन अब संसार में तो कोई भी जीव हो, आयुष्य तो सबको कंपलसरी है। बिना आयुष्य के संसार में कोई जी नहीं सकता है, क्योंकि बिना आयुष्य के जिएगा कैसे, तो शरीर है ना, तो शरीर बनाना है तो फिर शरीर के साथ आयुष्य कंपलसरी हो गया, उसको बिना उसके भी चलने वाला नहीं है, आयुष्य अनिवार्य हो गया। बिना आयुष्य के तो कोई संसार में जी नहीं सकता है। जब शरीर बनाया है और शरीर छोड़ना है तो शरीर के लिए उसको आयुष्य अनिवार्य है। जब बनाया आपने तब कब बनाया, कितने टाइम में बनाया, कितना काल लगा है आपको, अब उसमें जीवन कितने वर्षों तक जीना है, अब आपको शरीर छोड़ करके भी तो जाना है, तो मृत्यु तो होनी है सब। तो अब संसार के समस्त जीवों का विचार कर लीजिए आप। जैसे मैंने बताया कि नरक के अंदर नारकी जीवों का मिनिमम आयुष्य 10,000 बरस है, तो यहाँ देव गति में भी आप चले गए तो देवताओं को भी मिनिमम जो है 10,000 बरस का मिनिमम आयुष्य। अब वहां की तुलना करते हुए आप स्टडी करिए कि जितना देवताओं का मिनिमम आयुष्य जो है 10,000 बरस का है, तो मनुष्य का कितना होगा इन कंपैरिजन दैट। बोलिए सविता जी। बहुत कम। मनुष्य के अंदर मिनिमम आयुष्य कितना? 100-120। अरे आप तो मैक्सिमम बोल गए। मिनिमम सॉरी, अंतर मुहूर्त भी नहीं, समय जिसको बोलते पलक झपकने का, वो कैसे गिनना है? वो आप कहां से गिनेंगे साहब? अब ये आप जो बोल रहे हो तो ये जीव जो है यहाँ पर गर्भ में आया है और यहाँ उसका जन्म होने वाला है। अब जन्म के बाद उसका जीवन वो जीने वाला है और यहाँ उसकी मृत्यु है। अब इस हिसाब से अगर आपने 100 बोला है तो ये तो मैक्सिमम हो गया। जी जी, तो जी। मिनिमम कहाँ लिखूं मैं? मिनिमम तो पेट में भी हो सकता है ना, माँ के गर्भ में भी जैसे मतलब आए, वो तो एकदम से भी खत्म हो सकता है जी, वहीं की वहीं। उसमें कितना टाइम लिखना? समय कब जी? तो यहाँ पर जीव के लिए बारे में ये बताया कि जीव गर्भ में प्रवेश करे और उसके बाद में 48 मिनट आपके लीजिए, उसको कहते हैं 2 घड़ी। अब वो सिर्फ 2 घड़ी के अल्प काल में गर्भ में प्रवेश हुआ, ये है गर्भ प्रवेश का टाइम। अब ये गर्भ प्रवेश के अंदर जो है वो आता है और वो 2 घड़ी के अल्प काल में, 48 मिनट के अल्प काल में मर के चला जाए। तो जितना मनुष्य पर पशु पक्षी के लिए 2 घड़ी का 48 मिनट का है, उतना देवलोक के अंदर 10,000 ईयर, उतना उसकी कंपैरिजन में नरक में जाओ तो 10,000 ईयर। अब वहां पर 10,000 बरस है, लेकिन अब मनुष्य में क्यों अल्प है साहब? अब माता के गर्भ में तो आया है, लेकिन वो अब ज्यादा देर नहीं रह सका, नहीं पा सका, तो आयुष्य टूट जाए। आयुष्य टूटने के कारण जो निमित्त है, अब वो कई प्रकार के निमित्त है, माता की तरफ से हो या पुत्र की तरफ से हो या जिस किसी भी कारण से निमित्त हो। अब जीव माता के गर्भ में आया और या माँ का एक्सीडेंट हो गया, या माता के गर्भ में आया और उस जीव को वहां पर कुछ भी नहीं मिल सका सा,
ऐसे कई कारण हैं कि जिनके कारण आयुष्य टूटने की संभावना रहती है, तो टूट सकता है। तो अब जीव को तो कहीं ना कहीं तो जाना तो है ना। चलो ये मृत्यु हो गई, अब मृत्यु के बाद जीव को जाना कहाँ पर है, अब उसके कर्म डिसाइड करेंगे। वो उसका कर्म जो बना है उसमें नाम कर्म बनेगा, वो नाम कर्म डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है। जो कर्म जहाँ ले जाएगा तो अब कहाँ ले जाएगा, कर्म कहाँ, जैसे कर्म बांधे वो बरोबर पहुंचाएगा। अब मृत्यु हो गई और मृत्यु होते ही आत्मा जैसे शरीर छोड़कर बाहर निकल गई, अब उसके कर्म तो उसके साथ में है, तो अब उसके ड्राइविंग की सीट पर कौन बैठेगा, नाम कर्म, गति नाम कर्म बैठेगा। अब गति नाम कर्म ले जाकर आपको वहां पहुंचाएगा सही, लेकिन वहां उस कर्म का डिसीजन किसका है। अब ये शरीर से बाहर निकल गया, इधर देखिए आप, अब जैसे शरीर से बाहर निकल गई आत्मा, शरीर छोड़ दिया, अब इसको यहां से जाने में कितना टाइम लगेगा। यूएस से इंडिया में आएंगे विजय भाई के, इंडिया में से फिर यूएस में जाएंगे कि फिर यहां से आप कनाडा जाएंगे, कहां जाएंगे, जहां गति ले जाएगी। गति नहीं, अब आपके कर्म जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, क्योंकि आयुष्य छोड़ने के पहले अगले जन्म का नया आयुष्य बांधना भी इतना ही अनिवार्य हो गया। उसके पहले तो आप आयुष्य नहीं छोड़, पूरा ही नहीं होगा आपका। जब तक जीव नया आयुष्य नहीं बांधेगा वहां तक मरेगा नहीं। अब उसको बांधना तो बांधना ही है साहब, अब पहले बांधे या फिर लास्ट मोमेंट में बांधे, लेकिन बिना बांधे नहीं जाएगा। तो आयुष्य आपको लेके नहीं जा रहा है, गति नाम कर्म कहाँ ले जाएगा सब। आयुष्य तो मात्र अब इस आत्मा को इस शरीर में कितने वर्षों तक रखना है उतने टाइम का ही है, उसको ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है साहब। लेकिन अब जीव जिस प्रकार के कर्म कर चुका है और उसको लेके जाना है, तो क्या समझते हो आप, अब ये शरीर छोड़कर आत्मा बाहर निकलेगी और फिर यहाँ से यूएस जाएगी। अब यूएस में जाकर के पूछे साहब किसी को, ये एड्रेस बताइए भाई साहब, मुझे वाशिंगटन में जाना है कि फिर वहां से जो है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में जाना है, फिर वहां से 14 स्ट्रीट में जाना है कि वहां से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, फिर वहां जाकर पूछेगा 10th फ्लोर पर कहाँ इनका घर कहाँ पर है। अब उस घर में गए तो देरानी जेठानी दो है, तो किसके गर्भ में जाना है। अब वो इतना पूछते 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 टाइम करे तो शायद दो दिन लग जाएंगे। लेकिन यहाँ तो जीव ने अपना कर्म जो सेट किया है उसके अंदर तो दो दिन नहीं, दो मिनट भी नहीं और दो सेकंड भी नहीं साहब, दो सेकंड भी मत बोलना। महावीर स्वामी की लैंग्वेज में दूसरे समय में तो माता के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। उसको कोई एड्रेस पूछने नहीं जाना है, कोई एड्रेस वेड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है साहब। अब यहां से मनुष्य में से अगर वो तिर्यंच में जाए, पशु पक्षी में जाए, आइदर जो है एलिफेंट में, जिराफ में, बुलक में, काऊ में, डॉग में, डोंकी में, जिसमें भी जाए, तो उसको तो एक सेकंड का ही काम है, एक समय का, समय का। सेकंड तो हमने हमारी लैंग्वेज बनाई है, लेकिन उनके लिए तो समय का काम है। अब इस तरह से वो चला जाएगा, जा करके वहां पर उपस्थित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, ये तो होना ही होना है समझे। संसार के अंदर तो जीवों के लिए 14 राज लोक है और पूरे 14 राज लोक में यहाँ से जीव यहाँ आवे, यहाँ से जीव यहाँ जाए, मनुष्य में से नरक में जाए, नरक में से निकल करके मनुष्य में आवे, नरक में से निकल कर तिर्यंच में पशु पक्षी में जाए, पशु पक्षी में से भी देवलोक में जाए, मनुष्य में से भी देवलोक में जाए, देवलोक में से गिर करके वापिस। तो ये चक्कर तो रुकने वाला ही नहीं है साहब, क्या लाया कि नहीं, ये चक्कर आपका कभी रुक ही नहीं सकता है। तो जिस तरह से जीवों को ये अपना आयुष्य जो चल रहा है,
अब आपने ये देखा कि यहां पर ये जीव है, अब ये जीव अगर नीचे गया तो नरक गति, जीव यहां से इस दिशा में गया तो तिर्यंच गति में था, अब ये जीव यहां से जो है मनुष्य में गया ये मनुष्य गति में आया, अब यहीं से जीव जो है ये इस तरफ गया तो देव गति के अंदर गया। जीव को जाना कंपलसरी है, चार ही तो गतियां हैं और जीव तो अनंत 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 भोग कर चुका है, करता ही है सब। तो ये स्थिति है कि कब जीव जो है वो यहां से देव गति में जाए या नरक में जाए या तिर्यंच में जाए या मनुष्य में जाए, इट डिपेंड्स कि अब उसने पाप कर्म ज्यादा किए हैं कि शुभ पुण्य उपार्जन ज्यादा किया है, वो उसको खुद को देखना है, अपने अपने हिसाब से उसको देखना है, तो ये उसको ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं। अगर शुभ पुण्य उपार्जन अच्छा किया है तो ये डिवीजन यहां पर बना दिया है आपको कि इसके अंदर आप देखिए ये ऊपर की जो है ये सदगति है और ये नीचे की दो जो है ये दुर्गति है, दोनों दुर्गति के रूप में है। अब पाप कर्म ज्यादा किए हैं ना तो दुर्गति होगी, शुभ पुण्य उपार्जन ज्यादा किया है तो सदगति अच्छी होगी, कोई दो मत नहीं है सब। अब कौन सा जीव क्या करता है कितना करता है उसके ऊपर आता है। अब पाप कर्म भी करता है तो तीव्रता पूर्वक करता है कि मंदता पूर्वक करता है, इतनी ज्यादा तीव्रता रहेगी तो नीचे उतरते समय आप पहली नरक दूसरी नरक तीसरी नरक चौथी नरक कहाँ जाएंगे सब। पाप कर्म कितने प्रमाण में है, तीव्रता कितनी ज्यादा है, अब कितनी कम ज्यादा है कि क्या है। आप जो है किसी को तलवार से लेकर नारंग के मारेंगे तो एक ही मरेगा, लेकिन उस समय अभी जो है यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है तो सीधे मिसाइल छोड़ रहे हैं साहब, तो सीधे बॉम्ब फेंक रहे हैं, तो एक साथ में कितने मरेंगे सोचो, और वो भी मनुष्यों को ही तो मारना है ना, और किसको मारना है। अब मनुष्यों को मारने का इतना बड़ा पाप जब होगा तो सामने नरक कितनी आएगी। एक सैनिक अगर युद्ध में एक महीना भी रहता है और वो न मरे और दूसरों को मारे तो एक महीने में वो सैनिक कितने लोगों को मारेगा। अब ये परिस्थितियां हैं और कल आप लोग सबके पास जो है ऐसे खतरनाक वेपन्स बन चुके हैं और इसमें आजकल न्यूक्लियर वेपन्स जो ज्यादा हो चुके हैं तो कल क्या परिस्थिति हो, अब कौन देखेगा साहब, किसको पता है कौन कितने जीवों को मारे, कितने मनुष्यों को मारेगा, फिर दूसरे मनुष्य के साथ और कितने जीव मरने वाले। तो फिर ये तो नरक गति तो फिर है ही है, समझे, निश्चित रूप से है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो जीव जहां जाए देव नरक गति के अंदर वहां पर उपक्रम भी नहीं है सर, एक्सीडेंट या अटैक वहां पर नहीं है कि आपका आयुष्य जल्दी टूट जाए तो उनको तो पूरा ही करना है, आयुष्य उनको पूर्ण रूप से पूरा करना है। अब वहां पर सजा है, दुख है, वेदना है, पीड़ा है, वॉट एवर इट में भी जो है उसको तो आयुष्य भाव पूरा करना ही करना है। मनुष्य के पास यहां पर अगर है तो उसके पास धर्म भी है ना, अगर वो धर्म के हिसाब से चले और धर्म के नियम से चले तो कितना फर्क होगा सब, कितना फर्क होगा। ऐसे स्थिति में भी उसको ख्याल आ सकता है। अब ये लक्ष्य उसका बने तो की बात है, अब नहीं तो फिर नहीं है, अब करेंगे तो क्या करेंगे, सोचिए समझे कि नहीं। ऐसे स्थिति में अब आयुष्य के बिना तो कोई जीव नहीं जाएगा, आयुष्य अगर टूटने की संभावना है तो टूटेंगे क्या लें। अब आप जितनी सावधानता रखो, हमने देख लिए जो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड अटैक, अब वो कौन कौन से प्रकार, कितने कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार के एक्सीडेंट और किस किस प्रकार के अटैक हैं,
वो इतने आपने सब देख लिए, तो यहाँ पर गए अब 14 राज लोक के संसार में, तो हर जीव को अपना आयुष्य लेकर जाना है। अब दूसरे भी कर्म तो बंधने ही वाले हैं, लेकिन दूसरे कर्म जो बंधेंगे उसके साथ में जीव को जो है आयुष्य कर्म भी बांधना है। अब यहाँ पर क्या है कि आत्मा को ये देखना है कि एवरी डे डे टू डे लाइफ के अंदर रोज के मेरे जितने कर्म बन रहे हैं, अब सबसे ज्यादा आपका कौन सा बन रहा है? मोहनीय कर्म बन रहा है। अब ज्ञानावरणीय कर्म बन रहा है, दर्शनावरणीय कर्म बनता है, अंतराय कर्म बनता है, अब नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, और ये वेदनीय कर्म है। तो ये कर्म तो डे टू डे लाइफ में रोज बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर कसाय है, राग द्वेष है, क्लेश कसाय के निमित्त है, तो इसका तो रोज बंद हो रहा है। इधर अंतराय कर्म आपके रोज बंद हो रहे हैं सब, ऐसी स्थिति के अंदर इधर दर्शनावरणीय कर्म रोज बन रहा है, इधर ज्ञानावरणीय कर्म रोज बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये सब कर्म रोज के बन रहे हैं, तो यही कर्म कारणीभूत निमित्त बनेगा, तब आपका आयुष्य बनेगा। आयुष्य कर्म बांधने के पीछे भी क्या क्या निमित्त कारणीभूत बन रहे हैं, कैसे कैसे निमित्त कारणीभूत बन रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा किसी भी जीव का आयुष्य बांधने के पीछे जो है वो आपका कौन सा कर्म चल रहा है? मोहनीय कर्म जा रहा है, आश्रव के हेतु उसमें से आने वाले। अब जो आश्रव के हेतु जितने प्रमाण में आए, तो इन आश्रव के हेतुओं से कर्म का बंधन निमित्त तो बनना ही बनना है। हाँ, बस एक ही है कि जो इधर से पहले इन सब कर्मों का क्षय कर दे, फिर आयुष्य नहीं बंधेगा, क्योंकि आयुष्य बांधने का हेतु मोहनीय के राग द्वेष में से आ रहा है, क्लेश कसाय में से आ रहा है। अब यहां से यही कर्म आपके क्षय हो जाए, तो फिर वो नया आयुष्य बांधेगा ही नहीं। अब सबको अपने अपने तरह से समझना है कि जो आयुष्य आप बांध रहे हो, तो उसके बांधने के आपके अध्यवसाय भाव परिणाम, अब वो किसके कैसे होते हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आयुष्य की धारा चल रही है, अब इस धारा को आप समझने की कोशिश करिए कि ये आपका जीवन जो चल रहा है, अब आप 100 तक पहुंच रहे हैं साहब, अब मान लो कि आयुष्य नहीं टूटता है, तो ये लास्ट का 25 वर्ष का निमित्त आपका जो है इसके अंदर कहीं भी बंधेगा। अब 25 नहीं बचा है, आपके पास 15 ही बचे हैं, तो 15 के निमित्त में आप देख लो साहब, अब आपको कब ख्याल आएगा? कसायों की तीव्रता, राग द्वेष की तीव्रता, क्लेश कसाय में इतनी ज्यादा तीव्रता आए वो आपको बरोबर याद रहेगी। कॉमन रूप में हमारे छोटे छोटे कसाय तो कुछ भी याद नहीं रहते, लेकिन जब ऐसी तीव्रता के साथ कसाय, उसमें कसायों में तीव्रता भारी आ जाए और आप विवेक खो बैठे, तब आपको कसायों के कारण कितना भारी कर्म बंद होगा, कितना भारी कर्म सॉलिड कर्म बंद होगा। हाँ जी, होता तो वो भी मोहनीय ही है, खैर कसाय किया तो मोहनीय होता है, लेकिन अब बात कहाँ आई? आश्रव बांधने कर आयुष्य कर्म बांधने के आश्रव हेतु कौन से हैं? किन प्रवृत्तियों में, कैसी कर्म प्रवृत्तियों के कारण कितना आयुष्य बनता है? अब उन कसायों में, राग द्वेष में आपकी तीव्रता ज्यादा थी कि कम थी?
अब क्लेश कैसा है आदि आपके प्रमाण में ज्यादा है कि कम है। अब जो जितने प्रमाण में है उनका हिसाब करो, आप ख्याल आ जाएगा सब। बस बात इतनी सी है। तो अगर हमारे कषायों में तीव्रता है, या फिर आप छोड़ दीजिए कषाय बिल्कुल नहीं है और समाधि भाव में तीव्रता है, शांति भाव में तीव्रता है, आप ज्ञान ध्यान के अंदर मस्त हो और ऐसे समय में आपके भाव ऊंचे हैं, तो आपका लिए जो है फायदा हो जाएगा। वहां पर आपका ऊंचा अच्छा आयुष्य बनेगा। क्यों जी मानते ही है ना, अभी हमने बात देखा यहाँ पर कि जो नैमिनाथ भगवान की आत्मा नौवे भव में 33 सागरोपम का आयुष्य लेकर गई, परमात्मा आदिनाथ भगवान की आत्मा 12वें भव में बिल्कुल वह 33 सागरोपम की आयुष्य वाली है। तो उन्होंने कोई प्रबल शुभ पुण्य किया है तो बना है ना, नहीं तो कैसे बनता। प्रबल कक्षा का, उत्तम कक्षा का शुभ पुण्य बना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जब एक बार जन्म मिल जाए और मैं जन्म ले लूं तो बिल्कुल स्वस्थ रूप से अपना आयुष्य पूरा कर। ये यहाँ पर जीव ने जो है अपनी तरह से ये जन्म लिया, लेकिन अब जन्म लेने के पहले उसको भी गर्भ में आना तो पड़ा है ना। तो ये अपनी तरह से वो यहाँ पर गर्भ में भी जब आया है तब ये अपना आयुष्य साथ में लेकर आया है। जब जीव गर्भ में आया है तो वो अपना पूर्व जन्म में उपार्जन किया हुआ आयुष्य साथ में लेकर आया है, ताकि उसको जो है सीधे यहाँ पर गर्भ में प्रवेश करते ही जीवन जीने का पूरी तरह से अधिकार मिल जाए। साहब अब नहीं होवे तो ये माता के गर्भ में 9.5 महीने पूरे कैसे करना। अगर उसके पास जीव के पास इतना आयुष्य साथ में नहीं लेकर आवे तो ये गर्भकाल के 9.5 महीने पूरे कैसे करेगा। फिर यहाँ का आयुष्य कब बांध देगा। आप ये मत सोचना कि जन्म लेने के बाद में डिसाइड करेगा, या गर्भ में आने के बाद कोई डिसाइड करेगा, या कोई इतना आयुष्य लाकर उसको गिफ्ट में दे दे। ऐसा भी सुना होगा आपने, एक माँ कहती है लो लो भाई अब मैं मेरे बेटे को मेरा बचा हुआ आयुष्य गिफ्ट दे दे। Looks like Gurudev Shriji's video is frozen right now. Okay. We're going to wait a couple minutes. Must be some internet problem. Yeah. You can just text him, Vijay Bhai, if you have his number key. He's frozen.
You can stop recording, Dhimen bhai, if you want, for a couple of minutes. I think the lights went off, so it'll be a few minutes. It's coming back. So. Oh, I did. Should be back in a minute or so. So what I'm thinking is like the runanubandha thing we've been thinking. It's like hum ek dusre ko samajhte hai ki koi purana hamara rishta hai karke is tarah se. That's so true, right? क्योंकि हम वही जन्मते हैं और मर के तुरंत एक समय के पहले उतने समय में ही फिर से जन्म ले लिया हमने. तो दैट मीन्स वी आर द सेम पीपल कमिंग एंड गोइंग बैक अगेन एंड अगेन. तो वो हर कहीं ना कहीं से इस तरह से रिश्ता जुड़ा ही है. तो इट्स लाइक इसलिए हम कभी कभी किसी को देखते से भी ऐसे लगता है कि अरे शायद बहुत नजदीक का आदमी मान पड़ता है. वो भले ही हम उससे पहले मिले नहीं हो या कुछ बातचीत भी नहीं हो, कभी देखा भी नहीं हो, बट कुछ कुछ लोग शायद बहुत दिल के करीब लगते हैं. मे बी दैट्स द रीजन. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. गुरुदेव श्री बोल रहे थे तो ऐसे दिमाग में चल रहा था कि शायद इस वजह से हम बोलते हैं कि हाँ बार 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 वही 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 लोग वही सर्कल हर जन्म में. दैट इज सो ट्रू. Yeah, that's another thing. एक दूसरा metaphor दिया जाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है लोक में पूरे कि if you put a needle, there is not a place that we have not taken birth again and again and again. Yeah, कहते जहाँ आप खड़े वहाँ और आप अनंत बार गड़े हैं. That means कि आप उसी वहाँ उस मिट्टी में कई बार अनंत बार मरे हैं वहीं पर जहाँ आप खड़े हैं. Every time you, wherever you stand. जिस तरह से जहां पर जो है ये कर्म है, आखिर आयुष्य बंधाएगा कौन? आयुष्य बंध के आश्रव हेतु जो है वो महामोनी में से ही आ रहे हैं. आपने तो अपना आयुष्य जो जिस तरह से जीवन किया, अब ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 से ऐसे करके हमारा आयुष्य तो चल ही रहा है और ये रनिंग कंडीशन है. अब ये जो रनिंग हमारा चल रहा है वो चल रहा है. ऐसी स्थिति के अंदर अब जो आयुष्य जीव अगर साथ में न ले जाए, पूर्व जन्म से बांध करके न ले जाए, तो फिर वो गर्भकाल भी पूरा नहीं कर पाएगा, जीवन जी नहीं पाएगा साहब. उसको जीवन तो जीना ही है ना, तो कैसे जिएगा? तो ये उसको अगर देखना है अपनी तरह से, तो उसको ख्याल कैसे आएगा कि मुझे कौन सा जीवन किस तरह से जीना है? तो अनिवार्य रूप में उसके साथ आयुष्य जुड़ेगा. अब ये तो रहना ही रहना है. ऐसी स्थिति के अंदर अब कहां से हम आयुष्य का प्रारंभ करें साहब? तो ये ज्ञानावरणीय है, ये दर्शनावरणीय कर्म है. इसके पीछे आपका ज्ञान है, इसके पीछे दर्शन है. इधर हमारा मोहनीय कर्म है, इधर अंतराय है. तो कर्म के अंदर तो अच्छा कुछ भी नहीं है ना. कर्म के अंदर तो शुभ अच्छा कुछ भी नहीं है. ये चारों घाती कर्म है. ज्ञानावरणीय भी कर्म बहुत भारी है तो भी तकलीफ है, दर्शनावरणीय कर्म बहुत भारी है तो भी पूरी तकलीफ है, अंतराय कर्म विघ्न कारक है ये भी इतना भारी है तो ये भी आपको कष्टदायक. तो ये चारों कर्म है. अब जिसके कर्म प्रमाण में घटे हुए हो और जिसके गुण प्रमाण में पड़े हुए, उनको प्लस पॉइंट अच्छा है. तो ये हमने पुरुषार्थ किया है, प्रयत्न किया है, ये हमको देखना है कि मैंने अपनी तरह से क्या प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ क्या किया है, मैंने मेरे अपने कौन से कर्म जो है ज्यादा घटाए हैं और कौन से आत्मा के गुण ज्यादा बढ़ाए हैं, ये उसको देखना बहुत जरूरी है. तो गुण वृद्धि जरूरी है ना.
अगर गुण वृद्धि आपने नहीं की और कर्म वृद्धि में ही रह गए तो मुश्किल हो जाएगा। क्या कर्म जो है वो आपको देखना है। अब मैं कर्म कितने बांध रहा हूं, कैसे कैसे कर्म बांध रहा हूं, किस प्रकार के कर्म बांध रहा हूं, तो वो अगर मैं देखने चलूं तब जाकर के मुझे ये ख्याल आएगा, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा यहां पर। आप सविता जी जरा स्पॉटलाइट बोर्ड पर दीजिए ना। हे गुरुदेव श्री जी, स्पॉटलाइट आप श्री पे ही है, सभी लोगों को दिख रहा है ना गुरुदेव श्री जी, स्पॉटलाइट है। यस हाँ जी जी गुरुदेव, ये वापस सेकंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हाँ अब ये कर्म के आश्रव हेतु हमारे हैं। अब कर्म के आश्रव हेतु जो जिस प्रकार से ज्यादा है प्रमाण में बंधे हुए हैं, तो अब इसमें से ज्ञानावरणीय कर्म बुद्धि में आएगा ज्यादा तो बुद्धि काम नहीं करेगी, मेमोरी काम नहीं करेगी, समझ शक्ति काम नहीं करेगी, विचारधाराएं हमारे विपरीत होगी। दर्शनावरणीय कर्म उदय में आएगा तो जो है देखने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा, सब ये कर्म बाधा बन जाएगा। फिर आएंगे तो निद्राधीन हो जाएंगे, नींद आने लग जाएगी। ये कर्म आ गया मोहनीय कर्म, तो इसके चारों डिवीजन है। मिथ्या तो मोहनी है, वो तो साफ भी कह रहा है आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ो भाई कुछ भी नहीं है, मजा करो, खाओ पियो, लहर करो। फिर कसाय मोनी है, ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ क्लेश कसाय करना, ये उसका काम है था। अब उसके बाद में जो है तीसरे विभाग में नो कसाय मोनी है, वो उसको हंसना रोना करना आदि सब आते है, रति अरति भाव आते है, वो उसी में रहता है। चौथे नंबर पर सेक्सुअल डिजायर का विषय वासना का वेद मोनी है, अब ये भी अपनी तरह से काम कर रहा है। तो इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, मोहनीय कर्म में तो कुछ भी अच्छा नहीं बना बचा है, अंतराय कर्म में एक भी अच्छा नहीं बचा है। ये कल आपको जब आयुष्य नया बंधाएंगे तब कैसा बंधाएंगे सोच लो। ये चारों कर्म देख लीजिए। अब चारों कर्मों में से आत्मा के लिए आश्रव हेतु जो है, हम ये विचार करना चाहते हैं कि आश्रव हेतु क्या है, कैसा है, किस प्रकार का आश्रव भाव जो है वो अपने आप में सबका कैसा है। क्योंकि कर्म बांधना है तो कोई ना कोई तो आश्रव हेतु चाहिए ही चाहिए साहब। अब किस प्रकार के आश्रव भाव में हम रहते हैं, कौन से कर्म के, मोहनीय कर्म के आश्रव भाव में राग द्वेष क्लेश कसाय की तीव्रता है। अब इधर देखिए, कान सबको देखना है कि आप जब यहां तक हैं तब ये है बचपन का काल है, अब यहाँ पर आए युवावस्था का काल है, ये आपकी प्रौढ़ावस्था का काल है, और लास्ट में आपकी वृद्धावस्था का काल है। अब जीवन की चारों अवस्थाएं अगर 100 के हिसाब से चलो तो 80 वर्ष की लाइफ पांच का स्पान के हिसाब से चलो तो 20-20 का गैप रहेगा। अब बोलिए विजय भाई, किस उम्र में ज्यादा तीव्र कसाय होने की संभावना है? मिडिल यंग एज में। अब इनको लगता है यंग एज में, आपको जो है नवीन भाई क्या लग रहा है? अनम्यूट करके बोलिए। प्रौढ़ावस्था में। इनका कहना है प्रौढ़ावस्था में। बोलिए शांति भैया, आपको क्या कहना है? हाँ जी निखिल जी, आप बोलिए। चारों अवस्था में हो सकती है तीव्रता। चारों अवस्था में नहीं, अब चारों अवस्था में है, कंपेरिटिवली आपको देखना है ना।
बचपन तो हाँ बचपन में ज्यादा कम होगी पर युवा प्रौढ़ और वृद्धावस्था में ज्यादा हो सकती है। तो जब आते आते आप लास्ट में वृद्धाश्रम वृद्धावस्था में आते हो, क्योंकि एक तरफ तो रिटायर हो जाते हो, अब एक तरफ जो है आपका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि बच्चे भी कहते हैं, बेटे भी कहते हैं, पापा प्लीज आप सब बात में मत बोलिए ना, पापा मत बोलिए आप क्या। अब बेचारे बुजुर्ग आदमी है, बुढ़े आदमी है, और सब लोग उनको निग्लेक्ट करते हैं, तो अब क्या करेंगे वो। फिर ऐसी परिस्थिति में जब स्वभाव ज्यादा खराब हो जाए और खराब स्वभाव में अगर आयुष्य बंध जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कौन सा बंधेगा, किस गति का बंधेगा, ये भी तो आपको देखना है ना। क्योंकि आयुष्य बंधेगा तो यहाँ नाम कर्म के गर्भ में, यहाँ पर इसके अंदर आप देखिए ये है गति नाम कर्म। अब ये नाम कर्म की प्रकृति में है। अब अगर गति नाम कर्म के हिसाब से पहले गति नक्की होगी, मरने के पहले गति नक्की हो जाएगी, आयुष्य भी बांधने के पहले गति नक्की हो जाएगी। अब गति नक्की होगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ सब मैं किस गति का आयुष्य बांध रहा हूं, ये भी तो देखना है ना आपको, किस गति का आयुष्य मैं बांध रहा हूं, ये आप देखेंगे। अब आपको ये पता चलेगा कि अगर मेरी गति बिगड़ रही है तो मेरा मति भी तो बिगड़ रही है ना। मति कहाँ पर है? ज्ञानावरणीय कर्म के घर में मति है साहब, और ये इधर हमारे जो है मोहनीय कर्म के स्वभाव में, हम राग द्वेष में क्लेश कषाय में आकर जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभालना कि मुझे दुर्गति का आयुष्य न बंधे, सदगति का आयुष्य बंधे। सदगति का आयुष्य शुभ बंधेगा, दुर्गति का आयुष्य अशुभ बंधेगा। तो दुर्गति का आयुष्य किस में से बंधेगा? पाप प्रवृत्ति में से बनेगा। पाप प्रवृत्ति में इधर बाहर की प्रवृत्ति हो जाए पाप की, 18 पाप की, और इधर जो है आत्मा का अपना जो है राग द्वेष क्लेश कषाय बढ़ जाए सब, तब क्या परिणाम आएगा? तो फिर जीव जो है कई बार नरक गति का, तिर्यक गति का ऐसा आयुष्य बांध लेंगे, ये समस्या आएगी उसके साथ में। अब नहीं बांधना है तो फिर पाप प्रवृत्ति बाहर की बंद करना है और अंदर से क्लेश कषाय आपको घटाना है, सीधी सिंपल बात है सब। बात इतनी सी है समझने की। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ऐसा? इफ इट इज पॉसिबल, अगर हमारे लिए संभव हो तो बहुत अच्छी बात है कि हम कसायों को घटाते जाए ऐसा, शांत करते जाए और ये संकल्प करते जाए, अब क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इन चारों कसायों से मैं बच करके रहूं। लेकिन है तो समस्या परिवार की है। अब परिवार में किसी का पत्नी के साथ नहीं बनता है, किसी का बेटे के साथ नहीं बनता है, किसी का भाई के साथ नहीं बनता है, किसी के भाभी के साथ नहीं बनता है, तो यही तो संसार है। अब आप क्लेश कषाय में रहते हो, राग द्वेष की तीव्रता में रहते हो और वैसे ही विचार चल रहे हैं साहब। अब वर्षों से कषाय के विचार चल रहे हैं, बहुत वर्षों से राग द्वेष कषाय के विचार चल रहे हैं, तो ये तो अवस्था अब प्रौढ़ावस्था में से वृद्धावस्था में आए, तो अब आपका स्वभाव सुधरा या बिगड़ा? बोलिए कोकिलाबेन दोषी। अनम्यूट करिए। वृद्धावस्थामां वधारे ने वधारे राग द्वेष थी वधारे कर्म बंधाय। तो पछी શું કરવામાં આવી હવે બોલો ક્યા કરના છે આ? એટલે આગળ થી આવી રીતે ચેતવાનું કે હા હર હર પરિવાર મે જાકર બચ્ચો કો પૂછો બહુઓ કો પૂછો તો બોલતા હે કે પાપા જો હે હર બાત મે બોલતે હે મમ્મી હર બાત મે દાદીજી હર બાત મે તો કિસી કો પસંદ હી નહીં આ રહા હે આપકા સ્વભાવ। अब करना क्या है साहब?
वृद्धावस्था आ गई सब। अब सर एक तरफ रिटायरमेंट तो है ही, ऑफिस में से जॉब में से आप सर्वथा रिटायर हो चुके हो, और घर में भी ये तकलीफ है। अब 24 घंटे घर में रहोगे तो आग बंद करके तो नहीं रहोगे ना। तो बोलने की आदत जिनकी ज्यादा हो उनकी क्या स्थिति होगी साहब? जिनकी बोलने की हैबिट ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? और फिर फैमिली में आपसे सब डिस्टर्ब रहेंगे साहब। फिर लोग बोलेंगे आपको कि पापा आप क्यों बोल बोल करते हो? फिर बोलेंगे पापा तीन बात हो तो चलो नाउ वी विल सेंड हिम इन द ओल्ड हाउसेस, जहां पर ऐसी व्यवस्था वहां भेज दो। अब वहां और स्वभाव खराब हो जाएगा, आर्थ ध्यान और ज्यादा आ जाएगा। अरे मैंने तो बंगला बनाया है और मेरे को बेटा बाहर निकाल रहा है, समझेगी तो कितना अफसोस होगा उस समय। तो ये जो तकलीफ है, आज कितने परिवार हैं देख लीजिए, डाइवोर्स वाले कितने परिवार हैं जिनका नहीं बनता है, और उनके राग द्वेष बढ़ेंगे कि घटेंगे सोचिए सब। अब ऐसी परिस्थिति सबके साथ चल रही है, कई परिवारों में, सैकड़ों परिवारों में। तो कई परिवार तो डाइवोर्स ले लिया, चलो अब तो हम छुट्टी हो गए ना, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। अबे यार डाइवोर्स नहीं भी लिया है तो बेटा है, नहीं शादी करके आया तो वो जाकर अलग रहने लग गया है, तो उसकी बात अलग तरीके से आप देख लो। तो ये तो होना ही होना है सबके लिए। ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं बोलिए? अब हम आश्रम हेतु लिखेंगे सबके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर, इन आयुष्य कर्म के चारों गतियों के आयुष्यों का जो है आश्रम हेतु लिखेंगे साहब। कौन सा जीव किस प्रकार का आयुष्य बांधता है? गुरुदेव श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, आपके सुने हुए विचार हम केवल सुने ही नहीं बट उसको जीवन में पूरी तरह उतारने की कोशिश करें, इसी आशा के साथ आप श्री के संयम यात्रा की, तपस्या की, आहार की, विहार की सुख साता पूछते हैं बाप जी। मथेन मंदामी, मथेन मंदामी। जैना की तरफ से आपका खूब खूब, हम सभी की तरफ से खूब खूब आभार आपके बहुमूल्य समय और ज्ञान के लिए। साहिब जी सुख साता मरे जो मथेन मंदामी। ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो एरियानम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्व साहुणम एसो पंच नमकारो सर्व पाप प्रणसनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो दम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो दम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवले पन्नतं दम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मणां जयनं जयति शांतिं। आराम फरमाइएगा। मैं अभिनंदन करती हूँ आप सब प्रवचन सुनने के लिए आए, आपने क्वेश्चंस भी पूछे और बहुत ध्यान से गुरुदेव श्री जी को सुना, इसलिए जैना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले टाइम अगेन सेम टाइम पे सैटरडे प्रवचन होगा, सारी रिकॉर्डिंग्स जैना के वेबसाइट पर भी है तथा यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। एंड क्वेश्चन आप अगर मुझे भेजना चाहे पहले से तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो अगर आप
टाइम पे आके और अपने क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि हम ओवर टाइम नहीं जाए, प्रवचन टाइम पे शुरू हो जाए। तो 10:30 ईस्टर्न टाइम पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, अगर आप उस टाइम पे क्विकली ज्वाइन कर सकते हैं। अगले टाइम की गुरु वंदना के लिए अगर किसी को वॉलंटियर करना है तो मुझे नाम भेज दीजिए, या फिर यहाँ पे अभी तुरंत नाम लिख सकते हैं ताकि मैं लिख के रख लूँ अपने पास, और आप फिर अगले टाइम पे गुरु वंदना कर सकते हैं यही। और मैंने जो भक्तामर के क्लासेस का शुरू इस ट्यूसडे से शुरू होने वाले हैं क्लासेस, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने जैना के न्यूज़लेटर में भी वो लिंक दी हुई है फॉर भक्तांबर क्लासेस। ओ अच्छा, डाल दी क्या? अच्छा, जैना के न्यूज़लेटर में भी फिर वो लिंक है जहाँ पर मेरी क्लासेस के बारे में लिखा गया है, तो अगर वहां से आपको करना है तो आप कर सकते। वेबसाइट पे है उसकी लिंक, भक्तांबर क्लासेस की वेबसाइट पे है। दैट आई विल ऐड बाय मंडे, दैट आई विल ऐड बाय मंडे। ओके ओके, थैंक यू दिमेन भाई जी। तो सविता जी, वो भक्तांबर के क्लास से वो गाथा की गाथा और सूत्र का महत्व है या तो, हाँ पहले तो शुद्धता से पढ़ना सिखाऊंगी, ग्रामर के साथ सिखाती हूँ मैं, संस्कृत ग्रामर के साथ। तो शुद्ध हम बहुत अशुद्धता आती है जब हम बोलते हैं, हमको लगता नहीं है, बट इट इज ग्रामर के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है उच्चारण में। एंड दैट्स द थिंग एक्चुअली, सूत्र वगैरह जो बोलते हैं हम कि थेरेपी का काम करते हैं, दे डू दैट बिकॉज द वे वी प्रोनाउंस अवर टंग वगैरह, टच करना, मुंह खोल के बोलना, दांतों को ये करके बोलना वगैरह, वो जो सारी चीजें ग्रामर के साथ आती है, तो उससे हमारी ये सारी नसें वाइब्रेट होती है, यू नो, एंड दैट्स हाउ क्योर होते हैं सूत्र से हम। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो उसके साथ मैं शुद्धता से एक एक शब्द को शुद्धता से पढ़ना, उसका मीनिंग पूरे सूत्र का बताती हूँ, एंड देन वी रिपीट लाइक मे बी मैक्सिमम 2 or 3 गाथाज इन वन क्लास, ऐसे होता है। आप सभी को रिपीट करने लगाती हूँ मैं, रिकॉर्डिंग्स भेजती हूँ, मेरी एक हफ्ता पूरा होता है उसमें आप लोग प्रैक्टिस करते हो, एंड देन यू गिव दैट गाथा टू मी फॉर द नेक्स्ट क्लास, टू द नेक्स्ट क्लास, एंड देन हम आगे बढ़ते रहते हैं इस तरह से। पूरा पूरा हफ्ता है, एवरीडे है वो क्लास? नहीं नहीं नहीं, वंस अ वीक ही होगा क्लास। तो जी जी, आपके पास पूरा हफ्ता है प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, अगर आपको तो मालूम ही होगा कि एक इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र में ही एक जैन करके डॉक्टरेट किया है और रिसर्च किया है भक्तामर में, और एक एक गाथा उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन द्वारा की है कि जैसे कोई कैंसर हो तो ऐसा ये गाथा करनी चाहिए, तो यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग समथिंग दैट्स बट द वे वी से इट, दैट्स द मेन थिंग, बोलने से नहीं। अगर हम शुद्धता के साथ भी अगर कोई है बताने वाला तो बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, बट अदरवाइज भाव के साथ जो भी हम करते हैं श्रद्धा के साथ, वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचता है। विजय भाई, आप निकुंज भाई की बात कर रहे हैं? निकुंज गुरु नहीं नहीं, एक लेडी है, डॉक्टर मंजू, मंजू नाम है उनका, मंजू जैन, जैनी है, लास्ट नेम जैनी है, जैन लगाते मंजू जैन, वो करते हैं, शी डज भक्तामर हीलिंग करते हैं, और उनका मतलब देख के दे है वो थेरेपी, एक क्लिनिक है उनकी जहाँ पे ये करते हैं। Thank you, everybody. Thank you. Okay, thank you. Jai Jinendra. Thank you, Savita ji. Jai Jinendra.